हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ, बहुत इजी वे में बताने जा रही हूँ। और उसके साथ बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट थे कि हम जो बैक साइड है हमारे ब्लाउज का उसको बॉटनेक बताएं और आगे की तरफ हम कटोरी कट ब्लाउज बताएं, तो आज उसी विषय को हम पूरा विस्तार से आपको समझाएंगे। तो आप प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। और जब हम बैक साइड बॉटनेक बनाते हैं और आगे कटोरी वाले गले का ओपन गला बनाते हैं, तो हमको किन किन चीजों में प्रॉब्लम आती है, जैसे कंधी का टाइट होना, बगल का फंसना, आर्म होल का टाइट होना, इन छोटी छोटी चीजों के बारे में आज मैं आपको क्लियर करूंगी। तो प्लीज मेरा यही निवेदन है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम अपने चैनल पे आपको सिलाई के बारे में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, आपके जो कमेंट होते हैं उन पर आपको वीडियो बताते रहते हैं, ताकि आपकी सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती रहे और आपको सॉल्यूशन मिलते रहे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक ब्लाउज पीस लेना है। देखिए, जो कि मैंने एक ब्लैक कलर का ब्लाउज पीस लिया हुआ है, इस पर मैं आज आपको ये 80 पॉइंट का ही है, हमारा जो 80 सेंटीमीटर के ब्लाउज पीस आते हैं उसी पर हम आज ब्लाउज बनाएंगे। तो देखिए, आपको जब बॉटनेक पीछे का बैक साइड बनाना है तो पहले आपको कटोरी वाला पोर्शन तैयार कर लेना है, क्योंकि हमको कटोरी कपड़े में उरेब निकालनी होती है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर पर कटोरी वाला साइड निकाल लेंगे। उसके लिए देखिए, हम जो हमने ब्लाउज की लंबाई ली है वो 14 इंच की ली है और सीना हम 36 का लेंगे, लेकिन हमारे जो कमेंट है वो 36 और 38 के लिए है, तो मैं 36 साइज पे आपको कटिंग बताऊंगी और बीच में 38 पर भी आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेपर पे इसकी कटोरी कट कर लेते हैं। देखिए, मैंने सिंगल पेपर ही लिया है, डबल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ फर्मा निकालना है, कटोरी का हमको फर्मा निकालना है। तो 1.5 से 2 इंच की आप पट्टी पहले अलग कर लीजिए। देखिए, इस प्रकार से ये पट्टी को अलग करके आप सीधा निशान लगा दीजिए। ठीक है, देखिए, उसके बाद हमको क्या करना है, शोल्डर लेना है। तो देखिए, आप हमारा ये शोल्डर, अगर हम 36 सीने के लिए, मैं 36 सीने के लिए आपको कटिंग बता रही हूँ, तो प्लीज ध्यान से देखिए, 36 सीने पर अगर आप कटिंग करते हो और आपका गला पीछे से भी ओपन है, तो आप 5.5 पर इसका शोल्डर कट करते। लेकिन देखिए, हमको ये बॉटनेक बनाना है, ठीक है, हमको बॉटनेक शोल्डर बनाना है और 36 साइज के लिए बनाना है, तो हमको देखिए ये शोल्डर यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 6.5 लेना पड़ेगा। अगर देखिए किसी के मेजरमेंट के हिसाब से अगर बाजू की चौड़ाई ज्यादा आती है, आर्म होल की चौड़ाई अगर आपकी ज्यादा आती है, तो आपको ये वाला निशान 7 पर ले लीजिएगा। ठीक है, आप 6.5 से 7 के बीच में निशान को लगा सकते हैं। देखिए, जब आप 36 सीने का नाप लगाते हैं, तो नॉर्मल जब आपका आगे का गला भी ओपन है और पीछे का गला भी ओपन है, तो आप 5.5 पर निशान लगाते हैं। लेकिन जब हम बैक साइड यहाँ पर बॉटनेक बनाएंगे, तो हम 36 के लिए यहाँ पर शोल्डर कितने इंच पर निशान लगाएंगे, 6.5 पर निशान लगाएंगे। देखिए, ये मैंने 6.5 पर मार्क किया है। अगर आप 38 सीने के लिए बना रहे हैं, तो आप 7 इंच पर इसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमने 6.5 पर इसे मार्क किया है। अब जो हम बगल यहाँ पर उतारेंगे, वो भी कितने पर उतारेंगे, 6.5 पर उतारेंगे। देखिए, इस प्रकार से ये हमने 6.5-6 पर उतारी है। उसके बाद कोना यहाँ पे बनाएंगे हम। कोने पर हम 1 इंच की गोलाई देते हैं और आगे की तरफ हम 0.5 इंच पर कटिंग देंगे। देखिए, इस प्रकार से आप गोलाई पहले आर्म होल को सेट कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए, ये हमने इसे आर्म होल की गोलाई बना दी है। देखिए, ये आपने 6.5 यहाँ पे नीचे उतारा कंधी को, और उसके बाद में कोना बनाकर आपने इसकी गोलाई निशान लगा दी। देखिए, अब हमको देखिए पीछे का जो निशान जितने पर हम लगाएंगे, उतने का ही निशान हमें आगे लगाना पड़ेगा। तो देखिए, हम बॉटनेक वाला गला बनाएंगे, तो हमको जो बॉटनेक बनाना है, पीछे का बॉटनेक हमने 3.5 की चौड़ाई पर बनाएंगे, तो आगे भी हमको 3.5 का ही गला चौड़ाई में कट करना पड़ेगा। अब देखिए, आप जब इस ब्लाउज को कट करेंगे, तो देखिए आगे हम 6.5 गला रख रहे हैं, तो देखिए आपको 6.5 गले को जब आपने पीछे का बॉटनेक दिया है, तो आपको आगे का शेप हल्का सा थोड़ा सा वी देना पड़ेगा, इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से आपको वी शेप देना पड़ेगा, ताकि आपका जो कंधा है वो नीचे की तरफ सरके नहीं, आपको ऐसा ना लगे कि आपका जो ब्लाउज है वो खसक रहा है। ठीक है, अगर आप वी शेप देंगे, तो इससे आपकी जो ब्लाउज की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो निशान हम 4.5 पर लगाते हैं, आपको 4.5 पर ही लगाना है। यहाँ पर आपको 4.5 पर आप
तिरछी कटिंग करते हैं ये भी आपको 4.5 पर लगानी है। और कमर का निशान जो आप लगाते हैं, टुक्की का निशान, टुक्की आपका 36 इंच का ब्लाउज है तो आप 8 इंच पर टुक्की तैयार कर रहे हैं हम। अब इसको 8 को हम देखिए इस प्रकार से मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमने 8 की टुक्की की गोलाई बना दी है। ये देखिए 9.5 इंच पर हम सिलाई का निशान लगाएंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान आ जाएगा। अब बीच में आप निशान मार्क कीजिए। देखिए कई जो महिलाएं हमारी, कई जो बहनें हैं, वो ये बोलती हैं कि हमारा जो है ब्लाउज की टुक्की तो बराबर परफेक्ट फिटिंग बैठती है लेकिन हमारा साइड का पोर्शन कम हो जाता है। तो देखिए जब आप 14 साइज का ब्लाउज बना रहे हो तब आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो ये साइड का जो नाप है आपका कम से कम 6 से 6.5 के बीच में आना चाहिए। देखिए अब आपने यहाँ पे 6.5 शोल्डर उतारा है तो ये आपका यहाँ पर लगभग 6 इंच आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जब बेल्ट लगाएंगे तो आपकी जो वो पट्टी है वो कम नहीं होगी। तो देखिए ये हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाया है, देखिए इस प्रकार से। ये देखिए ये हमने 6 इंच पर निशान लगाया, निशानों को हम मिला लेंगे और इस टुक्की को आपको हल्का सा इतना सा बढ़ाना रहता है। देखिए उसके बाद में आपको सेंटर पॉइंट लगाना है। ये देखिए 4 इंच पर हमारा सेंटर पॉइंट आएगा टुक्की का और 1.5 से 2 इंच के नीचे हमको इसकी टुक्की का शेप मिलाना है इस प्रकार से। ये देखिए हमने इस प्रकार से अपनी टुक्की का शेप मिला लिया है। 2.5 इंच पर हमें सल का निशान लगाना है और ये 1.5 इंच पर, ये जो हमको चौड़ाई लेनी है वो कितने की लेनी है, 1.5 इंच की लेनी है। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, जब भी आप बॉट नेक बनाए तो जितनी आपने पीछे की चौड़ाई ली है उतनी ही आपको आगे की चौड़ाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपके शोल्डर की जो कंधे की चौड़ाई है वो अलग अलग हो जाएगी। और जब आप बॉट नेक गला बना रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस टाइप का वी शेप रखें। अगर आपने इस टाइप से गोलाई में गला रख दिया तो वो आपको थोड़ा सा छोटा काटना पड़ेगा, आप 6.5 या 7 पे उसे कटिंग नहीं कर सकते। अब आप इसे कट करके अलग कर लीजिए। देखिए ये हमने इसे कट करके अलग कर लिया है और नीचे हमने 3.5 और 3 इंच का बेल्ट निकाल लिया है। आप इसकी चौड़ाई कमर के हिसाब से रखिए, मैंने यहाँ पर 32 कमर के हिसाब से चौड़ाई रखी है, 8 और 8 में 1.5 इंच मार्जिन का जोड़ा है तो हमने 9.5 इंच का बेल्ट इसको तैयार रखा है, ठीक है। अब हमको इसका बॉटनेक बनाएंगे तो हम इसे कपड़े पर कैसे रखेंगे वो अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए जिन महिलाओं को कटिंग करने में कोई दिक्कत आती है, कटिंग के बिना वो सिलाई नहीं कर पाती हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो देखिए नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर हम फर्मे अवेलेबल कराते हैं हम, जिससे बहुत रीजनेबल रेट पे, ताकि आपको उससे कटिंग में कोई भी दिक्कत ना आए और स्टिचिंग आप आराम से कर सके। देखिए अब हम इसे कपड़े पर कैसे काटेंगे वो आप देखिए। देखिए ये हमारा बंद भाग है और ये हमारा खुला भाग है, तो हम पहले यहाँ पे बैक साइड हमें बॉट नेक बनाना है तो हम बंद भाग में निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम बंद भाग में निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने लंबाई ली है वो 14 इंच की लंबाई ली है, तो 1 इंच बढ़ाकर हम कितने इंच पर निशान लगा देंगे, इसमें 15 इंच पर निशान लगा देंगे। 6.5 देखिए हम 36 सीने का बना रहे हैं तो हमने 6.5 पर शोल्डर लिया हुआ है, और अगर आप 38 साइज का बना रहे हैं तो आप 7 इंच पर शोल्डर लीजिए। 6.5 ही आप नीचे कमर में उतारेंगे। देखिए अगर आपका शोल्डर का माप जैसे 16 आ रहा है या 15 आ रहा है या 17 आ रहा है, पहले तो आप शोल्डर प्रॉपर नापिए, उसके बाद अगर 15-16 आपका शोल्डर आता है तो शोल्डर में से आधा करके आपको 1 माइनस करना है, ठीक है, वो आपका बॉटनेक के लिए शोल्डर रहेगा, ठीक है ना। देखिए अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये हमने यहाँ पे कोना बना लिया है, यहाँ पर हम 1.5 इंच पर कटिंग करेंगे। कोने पे हम आर्म होल की कंधे की कटिंग जो देंगे वो 1.5 इंच पर, ये देखिए इस प्रकार से। सीना हमारा यहाँ पर 9.5 इंच पर, क्योंकि हम 36 इंच पे बना रहे हैं, ये 1.5 इंच का मार्जिन। कमर हमारी 32 की है, 1 इंच हम सलका रखेंगे तो हम 9 इंच पर, ये हमारा मार्जिन का निशान और ये हमारी फिटिंग का निशान। देखिए अब हम यहाँ पर बैक साइड में जो सल डालेंगे वो 4.25 इंच पर डाल रहे हैं, जो हमने बैक साइड है हमारा वो 3.5 से 4.25 इंच के बीच में हम सल का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम लगभग 4.5 से 5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से निशान लगाएंगे। देखिए उसके बाद हमने यहाँ पे 3.5 इंच की चौड़ाई हमको रखनी है और आपको बॉटनेक बनाना है यहाँ पर, तो ये हम नीचे भी कितना उतारेंगे, 3.5 से 4 इंच पर उतारेंगे। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई बॉटनेक रख सकते हैं, मैं यहाँ पर देखिए 3.5 से 4 के बीच में आपको बता रही हूँ। ये देखिए ये हमारे बॉटनेक का निशान हो गया है। देखिए
आपको समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ 6.5 इंच का शोल्डर लिया, 6.5 ही हमने कंधी उतारी, यहाँ पर जो हमने गले की चौड़ाई रखी है वो 3.5 रखी है। अगर देखिए आपको बॉटनेक और फैला हुआ चाहिए, देखिए इस प्रकार से आपको बॉटनेक पीछे का इस प्रकार से फैला हुआ चाहिए, तो आप गले के कंधी को बढ़ा सकते हैं, गले को बढ़ा सकते हैं। तो आपको जब आपने ये वाला गला अगर पीछे की तरफ का बढ़ाया है तो आपको आगे का भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 4 इंच पर चौड़ाई ले रहे हैं तो आपको आगे की भी कितनी भी लेनी पड़ेगी, 4 इंच पर ही लेनी पड़ेगी। पर कोशिश कीजिए कि आप 3.5 या 4.25 के बीच में ही अपनी कटिंग को रखिए। ये देखिए इस प्रकार से आपको गले का बॉटनेक बनाना रहेगा, ठीक है। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपने जो फर्मे कट किए हैं उन फर्मों को आपको सेट करना है, इस प्रकार से आप सेट कर लीजिए। देखिए हमने ये पीछे का बैक साइड बना लिया है और ये हमारा फ्रंट साइड के फर्मे हमने इस पे सेट कर लिए हैं। आप देखिए टुक्की को हमने बिल्कुल उरेब में रखा है, बेल्ट हमने यहाँ से निकाल लिया है और साइड हुड हमने इस तरफ से निकाला है। और ये जो आपका बचा हुआ कपड़ा है इसमें आप आराम से अपनी स्लीव निकाल सकते हैं। स्लीव का निशान मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आपके हिसाब से आपको मेगा स्लीव लगानी है, नॉर्मल स्लीव लगानी है या कोहनी तक लगानी है, आप उस हिसाब से उस पर मार्क कर सकते हैं। देखिए आपको ये मैंने जो पीछे बॉटनेक और आगे की तरफ कटोरी कट ब्लाउज बताई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखिए अब इसके बाद में जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो फुल कटोरी कट ब्लाउज की, जो महिलाएं हमारी चाहती है कि हम उसे बिल्कुल फिटिंग के साथ में आपको बताएं, डमी पे पहना के उसकी फिटिंग बताएं और स्टिचिंग बताएं, तो उसी के विषय में हम उस वीडियो को तैयार करेंगे। तो आप प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहें, और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए हमारी जो ये कटोरी है इसमें मैंने आपको बताया कि आपको लंबाई में 2.5 इंच का सर लगाना है और राइट साइड आपको 1.5 इंच का लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच नापना है और यहाँ से 1.5 इंच नापना है। जब आप इस प्रकार से 1.5 इंच नाप कर इसमें सिलाई लगाएंगे, और आप पहले ध्यान रखिए कि आपको अपनी टुक्की को पूरा तिरछा रखना है, उरेब में रखना है। इस प्रकार से जब आप इसका निशान लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से, तो आपकी जो टुक्की बनेगी वो बहुत ही अच्छी उरेब फिटिंग की बहुत शानदार टुक्की बनेगी। तो प्लीज मेरा बस यही निवेदन है कि आप टुक्की को जब भी रखें इसी प्रकार से तिरछे शेप में रखें ताकि आपकी जो टुक्की की फिटिंग है वो बहुत अच्छी।